आज मैं रसगुल्ला बनाने वाली हूँ, वो भी पनीर से। फ्रेंड्स, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि जल्दी से मैं क्या चीज़ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो मैंने सबसे आसान तरीका ढूंढ निकाला कि चलो मैं पनीर से ही रसगुल्ले तैयार कर लेती हूँ, स्पंज वाली उजले रसगुल्ले बना लेती हूँ, क्योंकि छेना फाड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दूध उबालना, छेना फाड़ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ रसगुल्ला बनाने के लिए हमने 2.5 गिलास पानी यहाँ पे लिए हैं और डीप बर्तन का यूज किया है, क्योंकि अच्छे से इसमें रसगुल्ला उबले और तैयार हो। तो आप डीप किसी बर्तन में रसगुल्ले के लिए पानी रखें। अब यहाँ पे हमने कटोरी से, जो कि एक बाउल है, ये 250 ग्राम का है, जिससे हमने एक बाउल चीनी इसमें ऐड किया, या फिर यहाँ पे हमने हाफ बाउल यानी 350 ग्राम के करीब चीनी इसमें हमने ऐड किया और 2.5 गिलास हमने यहाँ पे पानी लिया। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम 4 इलायची को इसमें कूटकर ऐड कर देंगे। इस चाशनी को, फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान ये रखना है कि चाशनी को हमको ज़्यादा उबालना नहीं है, और जैसे एक तार दो तार वाली कोई भी बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है। सिर्फ इसमें हमको रसगुल्ला को बॉयल करना है, बस इतना करना है कि बस ये चीनी मेल्ट हो जाए, बस और कुछ नहीं करना है। तब तक यहाँ पर हमारी चाशनी जिसमें हम रसगुल्ले को ऐड करेंगे, उबालेंगे, वो इधर तैयार है। अब यहाँ पे हमने पनीर लिया है। पनीर, फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 350 ग्राम के करीब हमने पनीर लिया है, जिसे मिक्सर ग्राइंडर में इसे छोटी छोटी पीसेज बना के हम ग्राइंड कर लेंगे एकदम, फ्रेंड्स, बारीक इसे काट कर हम तैयार कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसे हम मिक्सर में तैयार करके और सब एक प्लेट में, देखिए कितने अच्छे पेस्ट को हमको तैयार कर लेना। फ्रेंड्स, मैं जो शेयर कर रही हूँ पनीर के रसगुल्ले, ये बनाना इतना आसान है, इतना आसान है कि आप जब एक बार बनाएंगे तो आप इस रसगुल्ले को बराबर बनाना चाहेंगे, क्योंकि बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एकदम परफेक्ट बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे, एकदम स्पॉन्जी बनेंगे, वो भी फटाफट, अंदर तक रस से भरा हुआ होगा। जब आप इसे एक बार खाएंगे, एकदम मुँह में घुल जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है बनाना, आप इसे ज़रूर बनाएं, मस्ट ट्राई रेसिपी है और जल्दी से फटाफट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप इस रसगुल्ले को ज़रूर घर पे बनाएं, बनाना बहुत ही इजी और सभी को इतना पसंद आएगा, हम सभी को रसगुल्ला बेहद पसंद। 2 चम्मच के करीब इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है, जो कि अच्छे से इसका बॉल तैयार हो जाए। आप चाहें तो डालें, नहीं भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसे हम हल्के से मसल लेंगे, हाथ से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ग्राइंडर में ग्राइंड हो चुका है। तो हथेली से इसे हल्के हाथों से 5 मिनट के करीब इसे अच्छे से मसल लेंगे, जबकि इसमें हल्के से चिकनापन आ जाए। यहाँ पर टोटल ट्रिक को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए जब टोटल वीडियो कंप्लीट देखेंगे, तब जाके अच्छे रसगुल्ले आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे, 100% बनेंगे। ऐसा नहीं कि स्किप कर करके हम वीडियो के आगे देखें और बनाएं तो कहीं ना कहीं खराब होने का भी चांस रहेगा। देखिए एकदम क्लीन, अच्छे से हमारा ये डो तैयार हो चुका है पनीर का। अब इससे हम छोटे छोटे बॉल काट लेंगे और सबको रसगुल्ला के शेप में हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। ये कितना चिकना और बहुत ही अच्छा हमारा बन के तैयार हुआ है। वहाँ पर 350 ग्राम के करीब ये मेरा पनीर है, जिससे ग्राइंड करने के बाद इससे हम बॉल जब बना रहे हैं, रसगुल्ला जब तैयार कर, 350 ग्राम पनीर से 1 kg कम्प्लीट रसगुल्ला तैयार होंगे, जो कि आप देख रहे हैं एकदम 100% 1 kg हमारे रसगुल्ला तैयार होंगे, वो भी सॉफ्ट स्पॉन्जी एकदम रुई की तरह। तो फ्रेंड्स, सारे को रसगुल्ला के शेप देके बना लें। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, विनती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे ज़रूर आप बनाएं। देखिए डालते ही ऊपर तैरने लगा, क्योंकि ये सारे मिक्सर ग्राइंडर के कमाल है, उसमें फेंटने के बाद हमें हथेली से ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो कि रसगुल्ले के डालते डालते चाशनी में ऊपर तैरने लगता है, जो कि आप देख रहे हैं। आप चाहें तो जैसे कि लुक एट दिस, प्लेट में हम इसे गोल गोल करके डाल रहे हैं, इसे बहुत आसानी से और जल्दी से तैयार हो जाता है। हथेली पर डाल, देखिए फ्रेंड्स कितने सारे, कितने छोटे छोटे हमने बॉल बनाए थे, और सारे रसगुल्ले मेरे कितने कितने बड़े हो गए, डबल डबल सारे रसगुल्ले हो गए, देख रहे हैं आप, आपके सामने हम इसे पलट के दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे रसगुल्ले मेरे डबल हो गए, लुक एट दिस, देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं रसगुल्ले, जो कि मैं दिखा रही हूँ।
पूरे भर गए, इतने छोटे छोटे बॉल हो गए, पूरे 1 kg से ज़्यादा ही में रसगुल्ला यहाँ पे तैयार हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 100% परफेक्ट स्पॉन्जी सॉफ्ट रसगुल्ला पनीर वाली तैयार है। इंजॉय विद फैमिली, आप इसे ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने जूस निकाल कर भी आपको दिखाई, पूरे अंदर तक जूस को सोख लिए हुए पूरे रस से भरा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा फिर दिखा रही हूँ। अब उंगली से इसे दबा कर मैं देखिए कितने सारे जूस हैं एक रसगुल्ले में। घर में जब भी कोई त्यौहार हो, बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, किसी भी ओकेजन पर इसे बनाएं और भर भर के तारीफ लें फ्रेंड्स। खुद के बनाए हुए रसगुल्ले की बात ही कुछ अलग होती है, तो आप इसे बनाएं, इंजॉय करें और तारीफें भर भर के लें फ्रेंड्स। आगे भी ऐसी रेसिपी चाहते हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुलाब जामुन देखकर समझ गए होंगे कि आज की रेसिपी गुलाब जामुन ही है। इससे हमने न खोया से बनाया है, ना मिल्क पाउडर से, ना ही मैदा से, बिना किसी झंझट, ना ही कोई बेकिंग पाउडर से बनाया है। बहुत ही आसान है बनाना, इससे हमने सिर्फ ब्रेड से बनाया है और टेस्ट तो इसका कमाल का है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने 7-8 ब्रेड लिए हैं, जो साइड से इसके ब्राउन भाग को कट करके हटा दिए हैं। बाकी बीच वाले भाग को हम इसका चूरा तैयार करेंगे, पाउडर बनाएंगे इससे, हाथ से मसल कर। इसे ग्राइंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही मसल कर अच्छा सा पाउडर तैयार हो जाएगा। इसमें कच्चे दूध से इसको हल्के हाथों से डो तैयार करेंगे। ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, ज़्यादा गीला ना हो। इस डो को हल्के टाइट ही रखेंगे, जो अच्छे से बॉल बन जाए गुलाब जामुन का। हाथ में हल्के से घी लगाएंगे, छोटे छोटे पेड़ा बनाएंगे इसका। सबके बॉल का शेप देखें, गुलाब जामुन के शेप में सबको तैयार कर लेंगे एक एक करके। सारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अब एक यहाँ बड़े से बाउल लेंगे, बाउल में चीनी डालेंगे, 400 ग्राम चीनी डालेंगे, पानी ऐड करेंगे, गैस ऑन करेंगे। अब इसे हल्के से चलाते हुए चाशनी तैयार करेंगे, इलायची पाउडर, केसर लच्छी डालेंगे। चाशनी को बीच बीच में चेक करते रहेंगे, यहाँ रिफाइंड ऑयल में सारे बॉल को फ्राई करेंगे, घी में भी फ्राई कर सकते हैं। सारे बॉल कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, एक एक बॉल करके सब डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे सारे को फ्राई करेंगे, आँच धीमी ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी गुलाब जामुन जलने का चांस रहता है। आप जितना ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं कर सकते हैं, मुझे इतना ही पसंद है, ना ज़्यादा डीप नहीं ज़्यादा हल्का। सारे गुलाब जामुन को हमने फ्राई कर लिए गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसे चाशनी में डाल के ऊपर से हल्के हाथों से इसे दबाएंगे, सारे जूस इसके अंदर चला जाए। फ्रेंड्स यहाँ तैयार है मेरा गुलाब जामुन, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ब्रेड के गुलाब जामुन। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है गुलाब जामुन, रेडी टू एंजॉय। पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करें, इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इसे बनाने के बाद इसे फ्रिज में ज़रूर डाल दें, ठंडी गुलाब जामुन ज़्यादा अच्छी लगती है। आज की हमारी रेसिपी है गुलाब जामुन की, जो कि हम इसे मिल्क पाउडर से बनाएंगे। आज की गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से हम तैयार करेंगे, बहुत ही नरम सॉफ्ट रसीले गुलाब जामुन, जो बनाना बहुत ही आसान है, बिना झंझट बहुत ही आसानी से गुलाब जामुन घर पे आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। हाय मैं हूँ सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में।
तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं रसीले गुलाब जामुन बनाना, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल में, हमने यहाँ 400 ग्राम साढ़े 300-400 ग्राम के करीब चीनी हमने यहाँ पे लिया है। उसी बाउल से हमने एक बाउल पानी, चाशनी आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, उस चाशनी बचे हुए चाशनी को हम किसी और चीज़ में यूज कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही चाशनी बना, जिसमें अच्छे से गुलाब जामुन डूब जाए, उसमें अच्छे से रस उसमें चला जाए, पूरा रसीला अच्छे से बन जाए, जूस पूरा पी ले। तो थोड़ा सा हम ज़्यादा ही क्वांटिटी में हम बनाएंगे उसका जूस जो है चाशनी। तो चलिए यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर 300 ग्राम करीब मिल्क पाउडर हमने लिया है, जिससे हल्के हल्के पानी से, यहाँ हम दूध नहीं डाल रहे हैं, आप दूध से भी इसे डो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हल्के हल्के पानी ऊपर से डाल के और सख्त डो हमने तैयार कर लिया है। इसमें करना क्या है, थोड़े से इसे हथेली से हल्के से घी लगा के हथेली से इसे अच्छे से हम गूंथ लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से अच्छे से हम डो तैयार कर लेंगे। डो को एकदम सख्त तैयार करना है, ज़्यादा डो पतला नहीं होना चाहिए कि अच्छे से हमारा बॉल तैयार नहीं हो, गुलाब जामुन अच्छे शेप में नहीं है। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक यहाँ हमने चाशनी जो चढ़ाए इसे चेक कर लेते हैं। चाशनी को ध्यान रखना है कि ज़्यादा कड़ा चाशनी नहीं हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, ना पतला हो, हल्का चिपचिपा हो, तो एकदम परफेक्ट हमारा तैयार है चाशनी। अभी गैस फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया, अभी यहाँ पे हमारा रेडी है जो डो हमने तैयार किया है रेस्ट के लिए, जो रखे थे अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। इससे सब छोटी छोटी बॉल में हम लंबे शेप में इससे हम साड़ी को गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब हम क्या करें, गैस फ्लेम को ऑन कर लेंगे, फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, बिल्कुल मीडियम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी गुलाब जामुन जलने लगती है। और इसे एकदम लो फ्लेम पे हल्के हल्के इसे पलटते हुए हमने सारे गुलाब जामुन को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया, अच्छे से गुलाब जामुन को फ्राई कर लें। आप थोड़ा सा ज़्यादा या कम अपने चॉइस से इसे कर सकते हैं। और हल्के से जो चाशनी है उसे हल्के गर्म होना चाहिए, ठंडी चाशनी में इसको बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हल्के से गर्म चाशनी में जब डालेंगे तो अच्छे से जूस इसके अंदर चला जाएगा, पूरे सिरप से एकदम जूस से रसीले गुलाब जामुन आपके बनके तैयार हो, जो कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं, कितने बड़े बड़े हो गए। जब हमने बना के इसमें डाले थे तो इसके साइज़ को आपने देखा होगा कि बहुत छोटा गुलाब जामुन था, जो कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए। फ्रेंड्स आगे भी ऐसी हमारी वीडियो चाहते हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप इसे जब चाहें बनाएं, त्यौहार पे, बर्थडे पे, या कहीं भी जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 15 दिन तक, बिल्कुल 15 दिन महीना दिन तक, या आप इसे आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल खराब। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे जूसी हमारे गुलाब जामुन तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।